मुंबई में चल रही विपक्ष के गठबंधन इंडिया की दो दिन की बैठक के पहले दिन हुई अनौपचारिक बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई, जहां पर कई नेताओं ने जल्दी से जल्दी सीट बंटवारे को फाइनल करने की मांग की। तो वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जल्द करवा सकती है, लिहाजा जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला ले लेना चाहिए। विपक्ष के गठबंधन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि इस गठबंधन का कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने गठबंधन नेताओं की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। इनके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है। सूत्रों की माने तो गठबंधन में संयोजक पर भी बड़ा पेंच फंसा हुआ है, लिहाजा पहले दिन बैठक में इस पर कम चर्चा हुई। बैठक में आज इंडिया गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जाएगा। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में तालमेल होता दिख नहीं रहा है। कभी पीएम उम्मीदवार के चेहरे पर बयानबाजी की जा रही है, तो कभी सीट शेयरिंग पर। और अब तो इंडिया में शामिल कुछ दल हर महीने में होने वाली बैठक से परेशान होते नजर आ रहे हैं। बैठक के पहले दिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन का एक संयोजक होना चाहिए, कन्वीनर होना चाहिए। उसके साथ मुझे लगता है वर्किंग ग्रुप की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह हालात बन रहे हैं, हम इस तरह हर दो महीने के बाद मुलाकात मीटिंग कर नहीं सकते। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने पीएम उम्मीदवार के चेहरे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें किसी प्रधानमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करने की जरूरत है। चुनाव होने दीजिए, हमें बहुमत मिलने दीजिए, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है विपक्ष के गठबंधन इंडिया से जुड़ी हुई। विपक्ष का गठबंधन आज अपना लोगो लॉन्च करेगा। 28 दलों के अध्यक्ष मिलकर इंडिया का लोगो लॉन्च करेंगे। तो आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया आज अपना लोगो लॉन्च करेगा। 28 दल मिलकर ये लोगो लॉन्च करेंगे। इस बीच विपक्ष के गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग वाले पोस्टर लगा दिए गए। मुंबई की सड़कों पर अन्य पार्टियों के साथ जेडीयू के भी पोस्टर लगाए गए, लेकिन ये सभी पोस्टर इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों के पोस्टरों से अलग दिखे। जेडीयू के पोस्टर में देखिए सबसे अहम लाइन लिखी हुई है, देश मांगे नीतीश। जबकि वहीं अन्य पार्टियों के पोस्टरों में इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की तस्वीरें दिखी, लेकिन जेडीयू के पोस्टर में नीतीश कुमार की बड़ी बड़ी तस्वीर छपी दिखी। इस तरीके की जो पोस्टर वॉर अब शुरू हो चुका है, उसमें जेडीयू का पोस्टर सबसे अलग है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू नेताओं की तरफ से लगाए गए पोस्टरों को देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी एंटरप्राइजेस पर बड़ा हमला बोला और एक बार फिर गलत तरीके से शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों के दाम